नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। 2 दिन की यात्रा तो उन्होंने रूस में निकाली है और अब तीसरे दिन वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। और इस मिलाप की, जी हाँ, पुतिन के साथ जो मिलाप हुई है, बातचीत हुई है, जो गाड़ी में घूमा गया है और जो एक से बढ़कर एक फ़ोटो डाला गया है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि प्रधानमंत्री गए तो हैं रूस, लेकिन काम क्या करने गए हैं? उनके इस मीटिंग का, उनके इस बैठक का हल क्या निकल कर सामने आया है? तो देखिए, दुनिया भर की नज़रें इस मीटिंग पर टिकी हुई थी। भारतीय मीडिया भले ही अलग गुणगान गा रहा हो, लेकिन आपको बता दूं कि विदेशी मीडिया जो है इस मीटिंग को लेकर किस तरीके से छापता हुआ नज़र आ रहा है और क्या कुछ कह रहा है, वो सब कुछ एक एक करके मैं आपको बताने जा रही हूँ कि विदेशों में इस पूरे मीटिंग को लेकर किस तरीके की चर्चा हो रही है। पुतिन मोदी की मुलाकात पर वर्ल्ड वाइड मीडिया का क्या रिएक्शन आया है, एक एक करके मैं आपको बताना चाहूँगी। आप सभी को दोस्तों पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच, यानी कि पुतिन के निजी आवास पर, दोनों नेताओं ने अपनी औपचारिक बैठक बुलाई थी और भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संबोधित किया, जिसके बाद विदेश में जाकर प्रधानमंत्री जो है देश का किस तरीके से मखौल उड़ा रहे थे वो आप सभी के सामने है। कह रहे थे 2014 के पहले देश था ही नहीं, मतलब देश में जो चीज़ें होती थी वो बहुत बुरी लेवल पर होती थी, वही रोना जो यहाँ पर रोते हुए नज़र आए थे। समझ में आता है कि भारत में वो ये रोना रो रो करके 75 साल की दुहाई ले ले करके वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कम से कम विदेशी धरतियों पर जा करके जो भारत की साख है, जो मजबूती है, उसको एज ए प्रधानमंत्री के तौर पर तो आपको प्रेजेंट करना था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ दिखा नहीं। चलिए अब आपको बता दूँ कि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पीएम मोदी का जो है ये पहला रूस का दौरा था जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। पश्चिमी मीडिया भी पीएम मोदी के इस दौरे पर नज़र पैनी नज़र जो है बनाए रखा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर द गार्जियन, बीबीसी, वॉक और ग्लोबल टाइम्स ने इस पूरे मामले को जो है किस तरीके से प्रमुखता से कवर किया है, उसका एक एक आर्टिकल मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स का ये आर्टिकल दिखाना चाहूँगी जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो हेडलाइन बनाते हुए लिखता है कि पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश जो है वो कमज़ोर हो गई। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा से पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश बेहद कमज़ोर हो गई है। वहीं इसमें यूक्रेन की नाराज़गी बढ़ गई है और न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा वास्तविक सच्चाई को दिखाती है। भले ही पश्चिमी देश रूस को कमज़ोर करने की कोशिश में जुटे हुए हों, मगर जिस तरीके से रूस अन्य देशों से अपने संबंध बना रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हो गई है। भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहे रूस की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। अखबार ने आगे ये भी लिखा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए पीएम मोदी का ये दौरा दिखाने का तरीका है कि अमेरिका से भारत के मजबूत रिश्ते होने के बावजूद भी रूस और भारत के बीच गहरा रिश्ता बरकरार है। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में पूरा लेख छपा हुआ है। वहीं आपको बता दूं दोस्तों कि बीबीसी हिंदी ने लिखा है कि मॉस्को में मोदी के ने संतुलन बनाए रखा। बीबीसी लिखता है कि तीसरी बार बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने जाने के बाद ये पहला उनका द्विपक्षीय यात्रा है। मॉस्को से आई तस्वीरों में मोदी पुतिन को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। भारत में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पुतिन मुस्कुराते हुए मोदी को सबसे प्यारा दोस्त बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। बीबीसी इस आर्टिकल में लिखता है कि नाटो देश जहां यूक्रेन पर मॉस्को की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता है, वहीं मोदी ने आज तक पुतिन के साफ शब्दों में आलोचना तक नहीं की है। पश्चिमी देश रूस को अलग करने की प्रतिबंध लगाकर उसे कमज़ोर करने की कोशिश लगातार रही है, मगर पुतिन भारत चीन जैसे देशों के नेताओं के साथ लगातार अपने संबंध मजबूत कर रहा है। बीबीसी आगे लिखता है कि अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मोदी की मौजूदगी पुतिन के लिए एक फ़ायदे का सौदा हो सकती है। अब VOA लिखता है कि रूस और भारत दोनों के लिए ये दौरा बेहद अहम है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो पैसिफिक स्टडीज़ के स्थापक
चिंतामणि महापात्रा के हवाले से लिखा है कि मोदी इस यात्रा के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत रूस संबंध महत्वपूर्ण है और रूस चीन के साथ बढ़ती नज़दीकियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये दौरा पुतिन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ज़रिए वो पश्चिम को संदेश दे रहा है उनके लगाए गए प्रतिबंध का रूस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। कुछ विश्लेषकों ने मोदी और पुतिन की बैठक की टाइमिंग पर भी विशेष ध्यान दिया है। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब वॉशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन चल रहा है। द गार्जियन ने लिखा है कि पुतिन पर मोदी की सलाह का कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने हना पीटरसन से लिखा है कि यूक्रेन संकट के बावजूद मोदी और पुतिन ने अपनी दोस्ती के रिश्ते को और मजबूत किया है। पुतिन ने मोदी से मुलाकात के दौरान कहा है कि उन्हें देखकर बहुत खुश है। सोमवार रात हुई बातचीत में पीएम मोदी को पुतिन को सलाह दी गई है कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता निकलता है, लेकिन फिर भी पुतिन की महत्वाकांक्षा पर मोदी के शब्दों का कोई असर नहीं होगा, ऐसा नहीं लगता है। अब देखिए ग्लोबल टाइम्स लिखता है अपने हेडलाइन को बना करके कि भारत के कदम से पश्चिमी देश में निराशा। चीन से निकलने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पश्चिमी देश भारत के रूस के साथ गहरे संबंध को लेकर अधिक चिंतित दिख रहा है। अखबार में सिचुआन इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लॉन्ग जिनचुंग ने लिखा है कि चीन रूस भारत के करीबी संबंधों को खतरे के रूप में नहीं देखता है, जबकि पश्चिमी देश रूस के साथ भारत के संबंधों से नाराज़ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे ये भी लिखा है कि पश्चिमी देश ने भारत को पश्चिमी खेमे में खींचने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है कि भारत रूस के खिलाफ खड़ा होगा, उनके साथ गठबंधन करेगा, लेकिन भारत का कदम अभी निराश कर रहा है। द वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि मोदी की यात्रा ये बताती है कि भारत पश्चिमी के पाले में नहीं गया है। अमेरिका से निकलने वाला अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने पीएम मोदी के मॉस्को दौरे पर लिखा है कि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये यात्रा साफ संकेत देती है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ अपने मजबूत संबंध बरकरार रखेगा। मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के एक महीने से कम ही के समय में ये रूस का दौरा किया है। दरअसल इसके ज़रिए वो पुतिन को दिखाना चाहते हैं कि भले ही भारत अमेरिका का रिश्ता काफ़ी आगे बढ़ चुका हो, मगर भारत अभी तक पश्चिमी देशों के पाले में नहीं गया है। तो इस तरीके से तमाम अखबारों ने ये हेडलाइन बताकर दिखाने की कोशिश की गई है कि पश्चिमी देश इस पूरे मिलाप से भले ही नाराज़गी जाहिर कर रहा हो, नाराज़ दिख रहा हो, लेकिन मोदी ने एक बात तो ज़रूर मतलब इस दौरे से साफ कर दिया है कि वो जो है रूस के साथ भी वैसे ही रिश्ते रखना चाहता है जैसे कि पश्चिमी देशों के साथ उनका रिश्ता है। जिसको लेकर दोस्तों जेलेंस्की का भी बयान आया था और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए इटली में नज़र आए थे, जिसका फ़ोटो प्रधानमंत्री ने भी शेयर किया था अपने ट्विटर अकाउंट से। अब वो जेलेंस्की प्रधानमंत्री मोदी पर भड़कते हुए नज़र आ रहे थे और कह रहे थे कि ये जो मुलाकात है सिर्फ और सिर्फ जो है रूस को रूस के आतंकी जो चीज़ें हैं या जो हमला है उसको बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। तो इस तरीके से जेलेंस्की का जो है बयान आया था। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।